अस्सलाम वालेकुम क्लास, आप सबको बहुत ज़्यादा खुश आमदीद कहते हैं एक नई क्लास के अंदर। उम्मीद है आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। ठीक है, तो आज बेटा हम लोगों ने जो करनी है एक्सरसाइज वो है 9C और पेज नंबर है 220। एक्सरसाइज 9C जो है वो है टाइम के बारे में। ठीक है जी, टाइम के बारे में। अब टाइम क्या, वक्त ना हो बेटा, दो स्टैंडर्ड्स होते हैं टाइम को मेजर करने के। एक टाइम का मेजर करने का होता है 12 आवर्स, एक होता है 24 आवर्स की ड्यूरेशन। ये दोनों के अपने अपने यूज़ेस हैं। जैसे आप आगे क्लास में जाएंगे आपको पता चलेगा कि 24 आवर्स के क्या फ़वायदे हैं और 12 आवर्स के क्या फ़वायदे हैं। फॉर्मली जब आप ऑफिशियली कोई काम कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली 24 आवर्स का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, और इनफॉर्मली जैसे कि आपका कोई दावत है, कोई इनविट पार्टी है, इनफॉर्मल, उसमें आप AM PM का सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो एक्सरसाइज 9C, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम बेसिक लेवल सिर्फ करते हैं, तो बेसिक लेवल में इसके 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि ये जो आपके पास टाइम गेम है ABCD, इन्हें आपको 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात 8 AM। देखो सबसे पहली बात बच्चों ये समझ लो कि रात के जो 12 बजते हैं, हम क्या बोलते हैं 12 AM, लेकिन 24 आवर्स में उसे हम कहते हैं 00 आवर। ठीक है, उसके बाद 1 AM रात का 1 बजता तो हम बोलते हैं 1 AM हो रहा है, तो 1 ही रहता है। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और उसके बाद 12 पे हम बोलते हैं PM। 24 आवर्स में AM PM तो होता नहीं है, बस नंबरिंग का फ़र्क होता है, और 12 आवर्स के अंदर AM PM जो होता है वो फ़र्क बताता है। अब जैसे ही हमारे 12 PM हुए तो 24 आवर्स में भी उसको हम 12 ही बोलते हैं, लेकिन जब 1 PM होता है तो 24 आवर्स के अंदर उसे 13 कहा जाता है, एंड सो ऑन। 13, 14, 2 बजते दोपहर के तो बोलते हैं 14, 15, 16, 17, और ये जब रात के 11 बजते तो हम कहते हैं 23 और 11 PM। ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं, और उसके बाद जब रात के 12 बजते तो दोबारा से 0 पे आपकी क्लॉक आ जाती है। ठीक है, तो ये अच्छा 00 को बोलते हैं मिडनाइट। ठीक है, और उसके बाद का जो टाइम होता है दोपहर 12 तक वो मॉर्निंग, और उसके बाद का टाइम सारा इवनिंग होता है लेटर इन द नाइट तक, और फिर दोबारा मिडनाइट आ जाती है। इस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है। अब देखिए पहला वाला जो है वो है 8 AM। 8 AM का मतलब 0800। 9:42 PM, तो PM 9 पे ले जाएंगे ज़रा, यानी कि 13:1, 14:2 इस तरीके से जाइए तो आपके पास आएगा 21:42। ठीक है, मिडनाइट का मैंने आपको मतलब बताया कि रात के 12 को मिडनाइट कहते हैं। 0:00 2:42 AM, तो 2:42 AM 2:42 ही रहता है, क्योंकि जो डिफरेंस आता है वो दोपहर के 12 के बाद, जब 1 PM होते हैं तो फिर 13:14। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 24 आवर्स में दिया हुआ है 12 आवर्स में कन्वर्ट करना है। ये रहा आपके सामने 3:30, तो 3:30 सुबह के 3:30 AM। 23:12 मतलब 11, 12 मतलब 12 मिनट्स, तो 11:12 PM। ठीक है जी, 19:15 मतलब 7:15 PM, और 0000 एज यूजुअल मिडनाइट को कहते हैं, या 12 AM को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा ना इंटरेस्टिंग सा सवाल, आपको क्या दिया हुआ है डिपार्चर टाइम। जैसे मिसाल के तौर पे मैं भी अपने घर में हूँ और यहाँ से मुझे स्कूल जाना है, तो मैं जिस टाइम पे यहाँ से निकलूँगा इसको कहेंगे डिपार्चर टाइम, और जब मैं स्कूल पहुँचूँगा तो वहाँ पे अराइवल टाइम। आपने देखा होगा टीचर जब स्कूल पहुँचते हैं तो वो बाहर ही एक रजिस्टर पर सिग्नेचर कर रहे होते हैं, वो साइन इन कर रहे होते हैं, अराइवल टाइम अपना लिख रहे होते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? आप स्कूल किस टाइम पहुँचते हैं वो आपका अराइवल टाइम होता है, आप घर से किस टाइम पर निकलते हैं वो आपका डिपार्चर टाइम होता है। ठीक है, डिपार्चर जाना, अराइवल पहुंचना। तो इसकी मिसाल ले लीजिए कि आप एक जगह पर हैं, वहाँ से आपको दूसरी जगह जाना है, और बीच में जो टाइम ड्यूरेशन आपको लग रही है वो भी आपको लिखनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से निकला 2:40 पर, ये 24 आवर्स के अंदर टेबल पूरा, 2:40 पर मैं यहाँ से निकला और 55 मिनट्स मुझे रस्ते में लगे, तो बताओ मैं कितनी देर में अगली जगह पहुंचूंगा, यानी कि मुझे 55 मिनट्स लगे। उसमें ऐड कर दो और आगे अपना टाइम लिख दो, तो आप 2:40 पे आप निकले, 55 मिनट्स आपको लगे, तो 2:40 और 55 कितने होते हैं 3:35। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से ये बाकी सवाल भी हैं जो आपको करने हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक पज़ल के तौर पे इसके अंदर कुछ मैंने मिस्टेक्स बनाई हुई हैं जानबूझकर, इस टेबल के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं।
ठीक है। तो जब आप करेंगे ये सवालात तो अपना दिमाग बहुत शार्प रख के करिएगा, इनकी अंधी तकलीफ मत करिएगा, बल्कि अपना दिमाग लगाइएगा, क्योंकि मैंने आपको भी बता रहा हूँ कि कुछ इसके अंदर मैंने एक दो एक आर आगे किया हुआ, एक आर पीछे किया हुआ है, ये आंसर्स नहीं है, ये आपके टेस्ट के लिए है, तरीके से कि आपने आंसर्स खुद लिखने हैं। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह फिर हम अपनी क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।